दिल्ली NCR में हर 5 में से 4 परिवारों ने पिछले कुछ हफ्तों में प्रदूषण से संबंधित बीमारियों का सामना करने का दावा किया है। इनमें से 18% पहले ही डॉक्टर या अस्पताल का रुख कर चुके हैं। सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि इसमें शामिल 80% परिवारों के कम से कम एक सदस्य को वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधी किसी न किसी समस्या से जूझना पड़ रहा है, जबकि 7% ने प्रदूषण के कारण कोई भी समस्या होने से पूरी तरह से इनकार किया। लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ लोग अस्थायी रूप से दिल्ली से बाहर चले गए हैं, जबकि यहाँ रह रहे ज्यादातर लोग खराब सेहत का खामियाजा भुगत रहे हैं। लोकल सर्कल के सर्वेक्षण में कुल 19,000 लोग शामिल हुए थे। सर्वे में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के निवासियों से वायु प्रदूषण पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। दिवाली से 5 दिन बाद जब प्रदूषण को लेकर इसी तरह का सवाल पूछा गया था, तब 70% लोगों ने शिकायत की थी कि उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहा है। 5 दिन के भीतर ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या में 10% का इजाफा हुआ है। बता दें, दिल्ली NCR की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। इस जहरीले वातावरण में लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।